हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी से किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक का महीना पूजा पाठ का विशेष मास होता है। इस मास में तुलसी पूजन का खास महत्व है। कार्तिक के महीने में जो भी लोग तुलसी पूजा को विधि विधान के साथ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक पूरी श्रद्धा और भाव के साथ तुलसी पूजा करने पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी को जल चढ़ाने और उसके समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। आज हम आपको तुलसी की मंजरी से किए जाने वाले इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये महा उपाय। मान्यता है कि यदि तुलसी पर मंजरी आ जाए तो तुलसी को कष्ट होता है। अगर आपके घर की तुलसी में भी बहुत सारी मंजरी आ गई है तो उसे तुरंत तोड़ दें, और तुलसी अगर सूख गई है तो उसकी जगह नए तुलसी के पौधे लगा दें। कहते हैं कि जिन घरों की तुलसी कष्ट में होती है उन घरों में कष्ट परेशानियां आने लगती हैं और घर के लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्ते जो भी भक्त नियमित रूप से भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी इच्छा पूर्ति होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर भगवान को चढ़ाने से तुलसी माँ प्रसन्न होती है। विशेषकर कार्तिक महीने में किया गया यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तुलसी तोड़ते समय ये जरूर देख लें कि तुलसी रविवार, सूर्य ग्रहण, एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, चंद्र ग्रहण और संध्या काल में न तोड़ें।